हैं चंद की कचौड़ी पे, और ज्यादा इनकी कचौड़ी फेमस है और बहुत लोग पसंद करते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते मैम। तो क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? आशीष। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे लगाते हुए? मैम यहाँ पे मेरे नाना जी लगाते थे पहले, 78 साल हो गए। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है कि ज्यादा लोग पसंद करते हैं? खट्टी मीठी चटनी है, क्रिस्पी होता है ना इसमें, वो ज्यादा फेमस है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है कचौड़ी का टेस्ट लेने के लिए। दरगा मसाला मैम, दरगा कुटा हुआ। तो ये छोलों के साथ रहती कचौड़ी जी, खट्टी मीठी चटनी। तो आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये मटर कचौड़ी रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो आपकी कैसे कवर किया जा रहा है कचौड़ी को, और आप स्पीड देख सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पीड से यहाँ पे कचौड़ियाँ लगाई जा रही है। मतलब कचौड़ी पे छोले लगाए जा रहे हैं, मटर भी बोल सकते हो आप इसे, दिल्ली में छोले बोलते हैं और मटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे इतनी ज्यादा पसंद की जाती है कि आप भीड़ ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो पीछे की, कितनी ज्यादा लोग यहाँ पे भीड़ है। और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई जा रही है, इतनी सारी कचौड़ियाँ यहाँ पे लग चुकी है। तो आप देख सकते हो बिजली की स्पीड से यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई जाती है, और ये पूरा जो थाल ये पूरा कवर हो जाएगा कचौड़ियों से। तो ये टाइमिंग क्या रहती है आपकी? हम 10:30 से 3:30 बजे तक सातों दिन ओपन है। और एड्रेस बता दीजिए यहाँ पे। ये मैम सिविल लाइन लगता है क्लब रोड, ये लुल्लो कैसल स्कूल है, ये गुजराती समाज स्कूल, उसकी बैक साइड में। भैया के हाथ यहाँ पे रुक ही नहीं रहे कचौड़ी के लिए, लगातार यहाँ पे कचौड़ियाँ आई जा रही है, जाई जा रही है। क्वांटिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे लगाई जा रही है कचौड़ियाँ। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि और कचौड़ियों पर रखी जाए, डबल डेकर कचौड़ी है, डाला जा रहा है ऊपर से मसाला। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मसाला डाला जा रहा है। तो आपका खुद का मसाला रहता है सर? जी मैम, ये खड़े मसाले होते हैं घर पे कूटते हैं। अभी ग्रीन चटनी डाल लूं। चटनी डाली जा रही है, ये खट्टी रहती है जी, एक ग्रीन होती है एक मीठा होता है, वाली मीठा है। तो स्वाद तो बहुत लाजवाब होने वाले हैं कचौड़ियों का। तो एक कचौड़ी का प्राइस कितना रहता है सर? 40 कचौड़ी रहती है इसमें। हाँ जी। और देख सकते हो क्या बड़े तरीके से यहाँ पे धनिया और अदरक भुकी जा रही है कचौड़ियों के ऊपर, और इस पर डाली जा रही प्याज। अरे वाह, इसे देख देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो ये तैयार हो गई सर? जी मैम कम्प्लीट है। तो देखिए हमारी यहाँ पे फतेह चंद की कचौड़ियाँ यहाँ पे तैयार हो आने वाली है। चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फतेह चंद की कचौड़ी यहाँ पे आ चुकी है, और आप ये देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इसकी मटर की कचौड़ी रहती है, दो कचौड़ी रहती है, और कितनी ब्यूटीफुली सजाई हुई है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लगती है कि जैसी कचौड़ियाँ बनती है वैसी सारी सेल आउट हो जाती है, 2 मिनट भी लगते हैं सारी कचौड़ियों को सेल होने में। तो चलिए जो इतनी ज्यादा फेमस है और इतने ज्यादा लोग यहाँ पसंद करते हैं, तो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। कचौड़ी क्यों पसंद करते हैं ज्यादा दीवाने इनकी कचौड़ी की? कचौड़ी वाकई में काफी डिलीशियस है, जो चटनी का फ्लेवर आ रहा है वाकई में लाजवाब है। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम फूड मेरी दिल्ली की, आप यहाँ पे आए और एक बार इनकी कचौड़ी जरूर ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब है। तो हफ्ते के सातों दिन ओपन रहता है, अगर आप संडे भी आएंगे तो आपको संडे भी यहाँ पे मिलेगी, निराश नहीं होंगे और आपको टेस्टी टेस्टी कचौड़ी खाने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे आए और एक बार इनकी कचौड़ी जरूर ट्राई करें।